के गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट इन द सेंस कि हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था मैथ्स का, इन दैट लेक्चर वी ऑलरेडी स्टार्टेड एंड डिस्कस योर FY BCom मैथ्स, योर चैप्टर नंबर 1 सेज इन म्यूचुअल फंड। Okay, and because of any reason, those who were not attended last, in the sense our first lecture, so don't worry, I will revise and recap the small part of last lecture also. So आपका जो maths का chapter number 1 है, it is sales and mutual fund. कौन सा topic है आपका? Sales and mutual fund. This both concept are related with investment. एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो आप फर्स्ट लेक्चर के वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर दो, सो यू कैन इजीली कनेक्ट विद टुडेज लेक्चर। सो इन दैट पार्ट वी डिस्कस, इफ वी इन्वेस्ट इन द सेल्स, वी हैव ऑलवेज टू वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसके जो भी सेल्स होंगे, उसके दो प्राइसेस होंगे, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर डिविडेंड। हेलो, फेस वैल्यू इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर डिविडेंड। एंड मार्केट वैल्यू फॉर द टू पर्पसेस, परचेज एंड सेल्स। अगर कंपनी को डिविडेंड काउंट करना है तो कंपनी विल कंसीडर फेस वैल्यू, एंड अगर कंपनी, आप इन्वेस्टर हो, आपको बाय या सेल करना है, तो आपको कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का दो ऑप्शन है, आइदर आप परचेज करो और सेल करो। ड्यूरिंग दिस बोथ सिचुएशन During this both situation, we have to pay brokerage. ये दोनों situation में आपको brokerage pay करना है। अगर मैं purchase कर रहा हूँ तो मुझे brokerage pay करना है, अगर मैं sale कर रहा हूँ तो भी मुझे brokerage pay करना है। Okay? तो this much of basic concept we require. Okay? Now. See, whatever you wants to write, you can after lecture आपको वीडियो सेंड होगा, उसमें आपको वीडियो पोस्ट करके आपको जो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो। सो एट प्रेजेंट कुछ कॉपी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर द लेक्चर स्टाफ विल फॉरवर्ड दिस लेक्चर रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में आप वीडियो पोस्ट करके कॉपी कर सकते हो। ओके, सी फर्स्ट थिंग, आपने अगर क्लासेस में से नोट्स कलेक्ट नहीं करा है, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करिए और यहां आकर आपका क्वेश्चन नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो क्या होगा, मुझे क्वेश्चन कॉपी करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो होपफुली ऑल ऑफ यू हैविंग दिस क्वेश्चन नोट्स। ओके, सीक्वेंस को चेंज करेंगे एज पर द अंडरस्टैंडिंग, एज पर द रिक्वायरमेंट हम यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आपके क्वेश्चन का टाइप बी स्टार्ट कर रहा हूं, एंड क्वेश्चन नंबर 7, टाइप बी में क्वेश्चन नंबर 7, हैरी परचेज्ड फॉर, अगर नहीं भी है ना क्वेश्चन सो डोंट जस्ट लिसन प्रॉपरली, हैरी परचेज्ड फेस वैल्यू रुपीज 10 एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 1% एट 0.5% ब्रोकरेज, फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे। वन मोर टाइम, हैरी परचेज 440 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एट द रुपीज 150 एंड द ब्रोकरेज इज 0.5%।
find the total amount he had to. Okay, so number of how many says we have? 440. Number of says already kitna purchase kiya hai? 440. Face value of 10 rupees. Market value of one share rupees 150. Okay. And the brokerage is 0.5%. Rate of brokerage. वैसे तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बट वन मोर टाइम नाउ ऑनवर्ड्स इन एफआई बीकॉम फर्दर स्टडीज आप कितना भी करो यू कैन यूज कैलकुलेटर यस 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 इन अकाउंट्स एंड मैथ्स इन बोथ सब्जेक्ट यू कैन यूज कैलकुलेटर टिल योर फाइनल मतलब आप कभी भी स्टडीज करेंगे एफआई बीकॉम एसआई बीकॉम टीवाई बीकॉम एमकॉम सीए सीएस व्हाटएवर यू डू आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेशन आपका इजी हो गया सो मार्केट वैल्यू 150 था ब्रोकरेज हाउ मच ब्रोकरेज 0.5% अभी ये ब्रोकरेज था ब्रोकरेज ऑन जब आप कुछ परचेज करते हो ना बेटा ये मार्केट प्राइस था ब्रोकरेज In the sense commission that we have to pay brokerage on one share. What is 150? Ab just count kar lo beta. 150 into your 0.5%. और एक सेकेंड बेटा इसको डिवाइड भी करना होगा आपको जस्ट वन मिनट So we require 150 so your brokerage comes to 0.75 okay so ye mera brokerage on one share tha purchase price of one share already 150 rupees tha 0.75 sorry okay so ye hamara purchase price ho gaya beta 150.75 listen kitne shares purchase kiye the 440 आपका क्वेश्चन क्या है आपके क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड टू पे यहां आएगा टोटल परचेज प्राइस तो आपका जितना क्वांटिटी था इनटू परचेज प्राइस ऑफ व्हाट आर द नंबर ऑफ सेल्स 440 purchase price of one share
अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो फोर फोर्टी इंटू 150.75 66,330। कोई कंफ्यूजन मत करो बेटा, अभी भी बोला कोई फॉर्मूलाज नहीं है, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अरे मैंने एकदम सिंपल आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या कुछ फॉर्मूला बाय करके जाते हो क्या? नहीं, जब हम शॉपिंग करने जाते हो तो हम कोई फॉर्मूला बाय नहीं करते, वी नोस कि कैसे पे करना है क्या करना है। तो यहाँ भी ऐसा ही था कि हैरी परचेस कितने 440, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू 150 है, सो रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.5% है, 150 का 0.5% 0.75 परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर, ऑलरेडी 150 था उसमें 0.75 आपको ब्रोकरेज पे करना है, तो माय परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर इज 150.75। हाउ मच क्वेश्चन में लिखा है, हाउ मच फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे, सो देयरफॉर टोटल 66,330 he had to pay, understood? Okay, so you just write down this। और मैंने आपको जस्ट एक इंफॉर्मेशन दिया है बेटा कि आपको अगर कॉपी नहीं करना है ना तो आप जस्ट वीडियो, जब आपको लेक्चर के बाद वीडियो सेंड होगा ना तो आप उसको पॉज करके भी लिख सकते हो या आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हो, एज यू विच, जैसे आपको कंसीडर हो। ओके, चलिए क्लियर, जस्ट वन मिनट आपके, अगर कोई क्वेरीज है तो आप मैसेज भी कर सकते हो बेटा, डोंट वरी, चेक बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया? आप रिप्लाई करेंगे तो बेटा मुझे भी समझ में आएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ चेक बॉक्स। ओके,
उसका भी लफड़ा है पवन, इसका तो घुसेगा कैसे? उसको थोड़ा उधर कर दो ना, आ जाएगा। उसको पलकी मारते हैं बस ना। हाँ मेरे बस अगर आया तो जाए। चलो हो गया कमजोर बेटा, फाइन फाइन। और एक दो लेक्चर लगेगा बेटा आपको एडजस्ट होने के लिए, सो डोंट वरी। माइक बंद दे दे। ओके चलिए फाइन। सेम एज सी, धीरे धीरे क्वेश्चंस में हम टाइप भी ऐड करते जाएंगे। परचेज सेल उसका कंसीडर कर देंगे। ओके Now in the second, in the next question number 8, question 8, Eric invested rupees 2 lakhs 8,832 to purchase equity shares of a company, market price rupees 260 and 0.4% is the brokerage. Find the number of shares he purchased. One more time. Eric invested rupees. Okay. यहाँ आएगा आपका total investment. How much he invested rupees? 2,8,832. Market price. मार्केट प्राइस ऑफ वन से मार्केट प्राइस है 260, ब्रोकरेज ब्रोकरेज यहां पे 0.4% है। ओके आपको लेके आना है कि एरिक ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए। फिर से हाउ मच ही इन्वेस्टेड 2,8,832 और इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर रुपीज 260, ब्रोकरेज 0.4%। ओके सो ब्रोकरेज ऑन वन शेयर, ओके 260 का 0.4% आपको काउंट करना है। टू सिक्सटी इंटू 1.04, सो देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ वन से। ओके ऑलरेडी क्या प्राइस था सेल का, प्राइस कितना था, प्राइस 260 प्लस 1.04, so it is 261.04, it is the purchase price of one share. आपका मार्केट प्राइस 260 था, 0.4% हमने ब्रोकरेज पे किया, योर ब्रोकरेज कम्स टू 1.04 एंड ये 1.04 एड कर दिया, सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर, number of
नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इट कम्स टू टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर. आप बोलेंगे सर अगेन दिस इज फॉर्मूला. सो नो, एक सिंपल बात है यार, जब आप कुछ परचेस करने जाते हो तो आपको क्वांटिटी काउंट करना है, हाउ मच वी परचेज नंबर्स में, क्वांटिटी में. तो बहुत ही सिंपल फंडा होता है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट था 2,08,832 एंड व्हाट इज द परचेज प्राइस, दैट वी हैव टू डिवाइड, दैट वी हैव टू डिवाइड टू लैक्स 8,832 एंड डिवाइड बाय 261. सो इट कम्स टू 800. सो एज पर द क्वेश्चन हाउ मेनी शेयर्स वी परचेज, सो एज अ क्वेश्चन वी परचेज 800 शेयर्स. सी ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे ना बेटा, तो ऑलवेज क्या होगा, ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन में कोई ना कोई पार्ट चेंज होते रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं था बट नंबर्स दिया था. ये क्वेश्चन में आपके पास इन्वेस्टमेंट है बट क्या नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है. सिंपल. सो एवरी टाइम मिसिंग विल बी समथिंग डिफरेंट. कभी मिसिंग इन्वेस्टमेंट होगा, ब्रोकरेज होगा, मार्केट प्राइस, व्हाटएवर, बट अवर कैलकुलेशन कंसेप्ट इज ऑलवेज सेम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस. Understood with the help of these basic formulas and basic questions. Don't worry, after this lecture we'll send this entire lecture's video on your WhatsApp number. Okay, so you can repeat and revise these all the discussions, so don't worry. Understood with that? Okay. चलिए next part पे. See आपके screen पे right corner पे chat box भी है. If you have any confusion, you can ask, you can type, so we can reply on that. Okay, fine. Next question number 9.
अतुल रिसीव्ड रुपीज 91,632 आफ्टर सेलिंग 400 शेयर्स ऑफ अ कंपनी मार्केट प्राइस रुपीज 230 एट अ सर्टेन ब्रोकरेज. यहां पे आपका ब्रोकरेज मिसिंग है, देखो राइटिंग प्रोसेस सेम है बेटा. पहले तो नंबर ऑफ कितना सेल किया क्वांटिटी में 400, मार्केट प्राइस ऑफ वन से क्या प्राइस था 230 एंड व्हाट इज द ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मिसिंग है. टोटल अमाउंट रिसीव भी आपको दिया है, टोटल अमाउंट हाउ मच अतुल रिसीव्ड 91,632. ओके नाउ लेट द रेट ऑफ ब्रोकरेज, कितना ब्रोकरेज है एक्स परसेंट. सो ब्रोकरेज ऑन ऑलरेडी आपका 230 रुपीज का शेयर था, उसका अगर मैं एक्स परसेंट भी फाइंड करूं बेटा तो ये आपको एक्स तो कैंसिल में मिलेगा नहीं, 2.3x आएगा ये. एंड परचेज इज सेल हो रहा है, सेलिंग प्राइस हो वन से ऑलरेडी मार्केट प्राइस था 230, उसमें से आपका ब्रोकरेज लेस होगा बिकॉज वी ऑलवेज एट द टाइम ऑफ सेलिंग ब्रोकरेज लेस करना है. जब आप परचेज करते हो ना तो आपके परचेज में ब्रोकरेज एड होता है, जब आप सेल करते हो तो आपके सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज लेस हो जाएगा. सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस ऑफ वन से. एंड सी इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी शेयर्स वी सोल्ड 400, व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड 91,632, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस. सो विद द हेल्प ऑफ सेल्स कैलकुलेशन तो यहां पे आप फाइंड कर सकते हो टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेल्स इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन. व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस 91,632, हाउ मेनी सेल्स वी सेल 400, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 230 माइनस 2.3x. इसका 91,632 ये 400 आप शिफ्ट कर दो, यह आएगा आपका 230 माइनस 2.3x. ये डिवाइड करना है बेटा आपको, नेक्स्ट टाइम से तो कैलकुलेटर लेके आना बेटा तो आपको ज्यादा इजी रहेगा. 91,632 डिवाइड बाय 400 टू 29.08 232.3x. इसको आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, आपको लेस करना है. इट कम्स टू 0.92 डिवाइड बाय 23. इसको 2.3 से आपको डिवाइड करना है, इट कम्स टू 0.4 एंड देयरफॉर द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज, सी लिटिल बिट कैलकुलेटिव है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन. नंबर ऑफ सेल्स कितना सेल किया 400, मार्केट प्राइस 230 था, कितना हमने अमाउंट रिसीव किया 91,632 एंड द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज एक्स परसेंट,
तो 230 का x पर x काउंट होता नहीं है, एज इट इज 2.3। माइनस क्यों किया? अरे जब मैं सेल करूंगा तो मेरे अमाउंट में से ब्रोकरेज लेस हो जाएगा, और ये दिस इज नॉट फॉर्मूला, जस्ट कैलकुलेशन है सेलिंग का। माय टोटल सेलिंग प्राइस कम्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस, वो 1 है, 91,632। हाउ मेनी शेयर्स? 400। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? दिस ये अल्जेब्रिक कैलकुलेशन है, 400 अपॉन में इसको लेफ्ट राइट शिफ्ट किया, डिवाइड बाय 2.3 कम्स टू 0.4। एंड व्हाट इज योर x? x इज रेट ऑफ ब्रोकरेज, सो द रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.4%। अंडरस्टूड? So first of all write it down, okay? And same as आपको वीडियो सेंड होगा उसमें से आप रिवाइज कर लो, कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी कंटिन्यू विथ मोर टाइप्स एंड मोर क्वेश्चन। एंड इफ यू अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपने नोट्स कलेक्ट नहीं किया है तो एज सून एज पॉसिबल आप नोट्स कलेक्ट कर लो, तो आपको क्वेश्चन में इजी हो जाएंगे, ओके? सो बाय बाय, see you soon in the next lecture, okay? Take care. लेक्चर चालू करना है ना, लेक्चर चालू करवाना है ना, करो करो एक सेकंड, जे भी हो एक मिनट।
मेरा।